थ्री डॉट्स स्कूल ने कोरोना वायरस डॉक्टर को किया सम्मानित। आपको बताया जा रहा है कि रामदास मेमोरियल एजुकेशनल फंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज थ्री डॉट्स स्कूल में क्रिसमस के साथ डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। इस दिवस को त्याग और बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन में समाज और आपसी तालमेल और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। जी, आज स्कूल में क्रिसमस की फेट लगाई गई क्योंकि कल क्रिसमस है और उसके साथ भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी कल है, वो भी आज सेलिब्रेट करा। उसके साथ साथ हमने अपने स्कूल में जो हमारे डॉक्टर्स रहे कोरोना के टाइम पे, उन्होंने इतना काम करा, अपनी जान की परवाह करे बगैर लोगों की सेवा करी, तो उसके लिए हमने उनका बरेली कोरोना वॉरियर अवार्ड के नाम से हमने उन्हें पुरस्कृत भी करा, जिससे कि वो सम्मान के बहुत बहुत पात्र थे और सभी आए, बहुत अच्छा उन्होंने इन्जॉयमेंट करा। और बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रतिभा दिखाई। यहाँ पे कई सारे अभी प्रोग्राम हैं, अभी बचे हुए हैं, डांस प्रोग्राम है, फैंसी ड्रेस है और म्यूज़िक चेयर वगैरह, और गार्जियंस पेरेंट्स के भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो भी बचे हैं और वो भी कंटिन्यू चलेंगे। बरेली में बेस्ट हॉस्पिटल था डॉक्टर। आज जो है एक मैम, आज क्रिसमस है तो आज कॉलेज का कार्यक्रम चल रहा है। टिनी टॉट कॉलेज में सबसे बड़ा काम जो आज किया गया वो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। अब मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करना ऐसा ही है जैसे प्रयागराज में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों का सम्मानित किया था। वहाँ कहीं गंदगी नहीं नज़र आती थी, ऐसे ही बरेली के अंदर कोरोना के इलाज में, कोरोना के लोगों की सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रही। सरकार ने जहाँ राशन दिया उससे ज़्यादा आम जनता ने, लोगों को जो पका के खाना घर से बांटा है, किसी को कम से कम मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बरेली के अंदर कोई भूखा नहीं सोया। बरेली के अंदर से जितने श्रम एक पास हुए प्रवासी श्रमिक, कोई यहाँ से भूखा नहीं गया। हर एक को भोजन दिया गया, राशन दिया गया, 1,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए गए। तो मैं यही कहूँगा, आज जो यहाँ वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी कार्यक्रम है स्कूल की तरफ से, बर्थडे स्कूल में, जो स्कूल में बच्चों का जो एनुअल प्रोग्राम है उसके लिए मैं यहाँ विद्यालय के सभी टीचर्स को और इन बच्चों की मम्मियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने बच्चों से इतने अच्छे कार्यक्रम कराए। छोटे छोटे बच्चे से स्टेज कॉन्शियसनेस दूर होती है, उनका इस डेवलपमेंट होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट। खाली किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं चलता, जब तक बच्चे का ऑलराउंड डेवलप ना हो, स्टेज कॉन्शियसनेस दूर ना हो। और बच्चों के लिए इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट पर जो ख्याल रखा जाता है, उसके लिए मैं स्कूल के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल को बधाई देता हूँ।